आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर की थाना नागल पुलिस व स्वाट टीम ने ताजपुर के जंगल में उज्जवल उर्फ चेतन एवं निशा की गोली मारकर की गई हत्या का सफल खुलासा करते हुए एक अभियुक्त मृतक निशा का पिता राजेश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उज्जवल व निशा के प्रेम प्रसंग के चलते अभियुक्त राजेश ने इस घटना को अंजाम दिया। उक्त मामले का खुलासा आज SSP ने पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए किया। ये थाना नांगल क्षेत्र में एक गढ़ी गांव है, ताजपुर गांव के बीच में, जो खेत में दो लोगों का डेड बॉडी मिला था, जिसमें प्रेमी युगल थे, एक उज्जवल नाम का लड़का और एक निशा नाम की लड़की, दोनों को डेड बॉडी खेत में पड़ा मिला था, जिसमें दोनों के सीने पे गनशॉट इंजरी था, फायरआर्म इंजरी था, जिसमें विजिबली दिख रहा था कि ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग भी थी, यानी किसी ने नज़दीक सटा के उनको गोली मारा है, ऐसे जो वहाँ पे प्राइमा फेसी दिख रहा था। लोगों ने उसको आत्महत्या की सूरत देने की कोशिश किया है, जो कि घटनास्थल से ही समझ में आ रहा था। घटनास्थल पर दो डेड बॉडी के अलावा एक कट्टा, दो कारतूस भी मिले थे और काली खोखा। तो तुरंत तत्काल SHO के द्वारा SO नांगल और स्वाट और क्राइम ब्रांच टीम को अच्छा से सफलता मिली है, जिसमें लड़की, मृतक लड़की मृतिका निशा के पिताजी राजेश सन ऑफ दल सिंह गांव ये गड़ी के रहने वाला गिरफ्तार हुआ है। तो इनके द्वारा ये भी कबूल किया गया है कि भाई उन्होंने ही स्वयं उनकी लड़की को और लड़की का प्रेमी को गोली मारा है। इट्स एन हॉनर किलिंग। तो उस दिन घटना के सहारनपुर में शनिवार को आई ताज़ा रिपोर्ट में कोरोना के 9 मामले और सामने आए हैं, जिसके बाद ज़िले में अब संख्या 33 से बढ़कर 42 हो गई है, जिसमें एक मेडिकल कारोबारी भी बताया जा रहा है, जिसके चलते पूरी खान मार्केट को सैनिटाइजर करने के बाद सील कर दिया गया है। सहारनपुर में शनिवार को मेयर संजीव वालिया की अध्यक्षता में आयोजित नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा पार्षदों और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार की घटना पर पार्षदों ने आक्रोश व्यक्त किया और सरकार को इससे अवगत कराकर शासन से कार्यवाही करने की मांग की, जिस पर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने पार्षदों को बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी व SSP को अवगत कराया जा चुका है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है, यदि जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करता है तो पार्षद भी आगे से सहयोग नहीं करेंगे और किसी भी शांति समिति की बैठक में शामिल नहीं होंगे। जो टेस्ट कमेटी की पार्षदों की कमेटी थी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो रखी गई थी, जो इस मीटिंग के लिए फॉरवर्ड कर दी गई थी। चौथी है पार्किंग लोडिंग अनलोडिंग उपनियम 2020। टैक्स की जो पार्षदों की कमेटी थी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी और जो उनकी कार्रवाई हुई थी वो रखी गई थी कार्यकारिणी में। इसके अलावा सहारनपुर में शनिवार को रेलवे पेंशनर समाज का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचा और जिला अधिकारी से मुलाकात कर उनको प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए 1,51,000 रुपये का चेक सौंपा। इस दौरान पेंशनर समाज के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी का शॉल उड़ाकर वे प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान भी किया। यहाँ आए हुए हैं कि जो नोवल कोरोना वायरस COVID-19 का संक्रमण वैश्विक महामारी के रूप में सारी दुनिया में फैल रहा है, उस
राष्ट्रव्यापी संक्रमण काल में हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश के अंदर व्यवस्था संभाली है, हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने आए हैं और उनके आह्वान पर पीएम केयर फंड में 1,51,000 रुपये का चेक हम डीएम साहब को समर्पित करने आए हैं, जो हमने अभी उनको समर्पित कर दिया है। साथ ही साथ हमारे डीएम श्री अखिलेश सिंह जी, एसएसपी श्री दिनेश कुमार पीजी ने हमारे शहर की और हमारे ज़िले की जो व्यवस्था संभाली है उसके प्रति भी हम उनकी कार्यों की सराहना करते हैं और उनको सम्मानित करना है। हमने डीएम साहब को सम्मानित कर दिया और एसएसपी साहब को सम्मानित करने जा रहे हैं। सहारनपुर में शनिवार को पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते आ रही कुछ समस्याओं के संदर्भ में आज जिला मुख्यालय पहुंचा और जिला अधिकारी से मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद उन्होंने जिला अधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी समस्याओं के निस्तारण की मांग की। क्या कार्यक्रम आज हम जो है पार्षद प्रतिनिधि का मंडल एक मंडल जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, क्योंकि कुछ समस्याएं लॉकडाउन के चलते हुए जो हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, उसमें सबसे मेन जो वर्तमान में स्थिति है, जो निगरानी समिति बनी है उस निगरानी समिति में जो सदस्य रखे गए हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। उनमें कुछ चीज़ें ये थी कि उसमें आंगनवाड़ी को इन्वॉल्व किया जाए, आशा जो है प्रॉपर काम करें, ताकि जो बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर हैं, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन पर पूरी तरह जो है उनकी जाँच जो कर सकते हैं घर घर जाके, वो उसमें हमें पूर्ण सहयोग करें। इन सब चीज़ों को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से मिले थे। सहारनपुर में लॉकडाउन के पहले दिन से ही एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किए जा रहे राशन वितरण के कार्यक्रम को मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने एरोन एजुकेशन के कार्यालय पहुंचकर खूब सराहा और उनके पदाधिकारियों से मिलकर उनको बधाई दी। सहारनपुर न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।